आप सबकी प्रतीक्षा नैयर की तरफ से राम राम। कई करी रहो, कई बेचाने की नहीं बेचाने हो भाई। अभी तो देखो उन्हें रूस ने उन्हें रशिया का कारण पूरा विश्व तनाव में है ना भाई। शेयर बाजार तो पाताल में पहुंची गए ना, सोना चांदी आसमान के छू रहा है भाई। ऐसा में ना बाइडन काका जी को मारा कने घर रह के ने फोन आयो हो क्योंकि देख तो तू तुम्हारी भतीजी लगे है, तू जल्दी से इन्हें पहली चिलगाड़ी पकड़ी गए ना अमेरिका आई जा। तो इनके अरे काका जी तुम ऐसा क्यों घबरा रहा हो, तुम तो सुपर पावर हो, तुम्हारे कई प्रॉब्लम आई गई। तो बोले अरे दौरी कोई करूँ, पुतिन कोई का बाप की भी नहीं सुनी रही है भाई, तो युद्ध करने को तैयार बैठी हो। तो भाई मैं भी घबरा गई, मैंने कहा भाई अपन तो बिल्कुल भी अहिंसा का समर्थक, हाँ अपन तो हिंसा के बिल्कुल भी नहीं माना। तो मैंने कहा देखो अपने विश्व की शांति काले जाना तो पड़ेगा। तो भाई मैं तो उड़ी के ना 19 बखत अमेरिका पहुंची गई। तो वहां गई तो बाइडन काका जी मार से बोले कि चल तो अपने तो यूक्रेन चलना पड़े हो ना, व्लादिमीर येलेंस्की की कई नाम है दरियो को, वो यूक्रेन का राष्ट्रपति को तुम्हारा नाम भी याद नहीं हुआ। बोले क्योंकि ना व्लादिमीर को अपने चलना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो दरी, तो उड़ी के ना वहां पहुंचे हम यूक्रेन। तो भाई वो तो ऐसा घबरा है व्लादिमीर तो, क्योंकि जी जी अच्छो करियो तुमने तो तम आई गई, चलो चल के ना पुतिन बासाब के थोड़ा सा समझाओ नहीं तम। तो भाई वहां से उड़ी के ना उना पुतिन बासाब कने हम गया। तो भाई वहां जाके देखो तो भाई पुतिन भाई साहब तो वो गोलो लेकिन बिल्कुल ताने के तैयार खड़िया उन्हें यूक्रेन तरफ करके, गोलो छोड़ने ही वाला था कि दंड करके मैं गई ना, मैंने बटन दबाई दियो। मैंने कहा कही करी रहा बासाब सठे गए हो गए हैं तम, तुम्हारे कहीं काला कुत्रा ने काटी लियो, हर काला कुत्रा को तुम्हारे असर हो गयो है कहीं कि तुम बिल्कुल ऐसी आग मुती रिया हो कि युद्ध करने पर तैयार हुई गया तुम तो कई हुई गो तुम्हारे हैं। तो भाई जितको जो मैंने बटन दबाई के है ना गोलो रोको तोप को, तो वे तो कहे कि अरे ये यूक्रेन वहाँ नाटो मिली रहो, नाटो मिली रहो, नाटो सदस्य बनी रहो। अरे मैंने कहा नाटा मिले भाटा मिले तुम्हारे कई करना उससे है, तुम तो तुम्हारे घर में अच्छा बैठे हो ना तुम्हारे रसिया में। तो क्योंकि नहीं मारा होना वीटो प्रभाव पड़े ने वीटो हमारे प्रॉब्लम आएगी है, मीन क्या कई वीटो प्रॉब्लम आएगी तुम्हारे वीटो नीटो करी रहा तुम इतरो इतरो तुम तुम्हारे रसियो इतो बड़ो है उगी मुंडेर बनाओ आसपास सब मुंडेर बनाई दो कि भैया इतनी मुंडेर हमारी बनी हमारो देश है। तुम अंदर बैठी के ना अच्छे भजन गाओ ना, अच्छे से खानो पीनो करो और कहीं चाहिए तुम्हारे। अरे बाहर यूक्रेन हो कि कहीं भी कोई सब देश हो बान भाटे कोम पड़े तुम्हारे कहीं करना किससे मिले हुए। तो क्योंकि नहीं मार तो विटाम प्रॉब्लम आएगी, मैं ऐसा नहीं कर सकूँ। मीन के देखो काका जी पूरा विश्व में अशांति फैली जाएगी, खाली तुम्हारो मामलो नहीं है, पूरा विश्व इससे जुड़ी हुआ है। तो थोड़ो घनो सोचो, तुम भी इतना बड़ा आदमी हो, इतनी बड़ी कुर्सी में बैठा हुआ हो, तुम्हारा पीछे कितना देश लग्या हुआ है आज। तो क्योंकि हाँ देखो देखो ऐसा करके बैठी का काका जी। तो मैंने कहा चलो ये तो भाई बात साहब थोड़ा बहुत तो सुनेगा अपनी भाई, उड़ी के ना अपना घर रही मेरे भाई, उड़ी उड़ी के तुम्हारा माथो रह गयो ने बकी बकी मारो गोलो भरे गयो, देखो अभी भी मेरी आवाज बैठी हुई है। तो भाई आई के ना तुम्हारा तुम्हारा घर में पराठा उतारे रही थी तो एकदम से हमारा पता चली गई भाई, यू कोई करो गोलो दागी दी उनने तो ओ भाई युद्ध शुरू हो गया। मैंने देखो देखो तो बाबा बात साहब बिल्कुल सठिया ही गया, इनने कोई की बात नहीं रखी है। मैंने कहा कोई करूँ कोई करूँ मैं, तो मैंने कहा भाई मोदी के फोन करा अपन भाई, आज की तारीख में तो घनी घनी पावर रखे अपना मोदी जी। मैंने मोदी जी को फोन करियो, मैंने कहा देखो तो मोदी जी वैसे तो अपने कई नहीं, अपने दो ही दोस्त है, यूक्रेन भी दोस्त है ना अपना, रसिया भी दोस्त है अपने, ऐसा कोई नहीं कि अपन बीच में बोला ना कोई एक को पक्ष ला, पर अब कई करा जो हिंसा करेगा उसका खिलाफ बोलना तो पड़ेगा ना, समझाना भी पड़ेगा अपने, ऐसा नहीं हो कहीं की सांड सांड की लड़ाई में अपने बागड़ को नुकसान हो जाए। पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है आपको बोलना बहुत बहुत। मोदी जी के हाँ जरी सही कह रही तू भी, मोदी जी ने को फोन पुतिन के समझायो है कि देख तो पूरा विश्व में अशांति मची जाएगी नहीं, वो कोई आज को जमाने युद्ध करने को नहीं है, आपसी बातचीत से भी सब बातचीत को हल निकली सके है। तो भाई उके बोलियो कि युद्ध को जल्दी जल्दी रोकी दे तू, हम सब मिलके कोशिश करांगा कहीं ना कहीं समस्या का समाधान निकली जाए। तो अब देखो ना पुतिन बासाब के कई भेजाम बैठी किन बैठी, नहीं तो भाई बहुत घनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना भाई। अपन सब भगवान से यही प्रार्थना करो कि पूरा विश्व में शांति बनी रहे ना, आखा विश्व में कभी युद्ध को कोई ऐसा दूर ही नहीं आए, क्योंकि देखो बहुत मानव जाति को वो रास होए है भाई, कितना लोग उन मरे ने कितनी मार काट मचे है। तो अपने तो अपना देश में भी शांति बना के रखनी, अपनी देशभक्ति रखनी हमेशा ने भाई, सबसे यही प्रार्थना करनी कि सब अपना अपना देश में खुश रहो ना, कोई एक दूसरा से ऐसी मार काट मचाओ मत, बिल्कुल मत करो ऐसो, और भाई सब शांति से रहो ना, सब खुशहाल रहो, यही हमारे तो सारा विश्व से प्रार्थना है, सारे भगवान से मैं तो यही प्रार्थना करूँ कि युद्ध जल्दी जल्दी वो टले जाए ना, विश्व में शांति हुई जाए। जय राम जी की।